प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम परोपकार के महत्व को समझेंगे। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपने लिए तो जीता ही है, किंतु अपना भरण पोषण हो जाने के बाद, अपने प्रत्येक कार्य हो जाने के बाद व्यक्ति चाहता है दूसरों के लिए भी कार्य करें, तो उसे परोपकार कहते हैं। परोपकार सबसे महान पुण्य का कार्य है। परोपकार करना हमारा धर्म है। परोपकार करना भी हमने अपने इस प्रकृति से ही सीखा है। प्रकृति में हमें जितने भी दृश्य दिखाई देते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी किसी न किसी प्रकार से परोपकार करते हैं। हम परोपकार के महत्व को इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे। देखिए बेटा, हम श्लोक के उच्चारण को करने से पहले यह जान लें, सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए ही उपकार करता है, परंतु जो स्वार्थी व्यक्ति रहता है वह अपने शारीरिक बल का प्रयोग अपने लिए व अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए करता है, इसीलिए उसे स्वार्थी कहा जाता है। किंतु जो व्यक्ति अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने पौरुष का उपयोग दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए करता है, वह व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। हम श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे, उसकी दोहराई भी करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकार्थम् इदं शरीरम्। हम इस श्लोक को फिर से दोहराएंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकार्थम् इदं शरीरम्। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं, और परोपकार के लिए ही यह हमारा शरीर भी होना चाहिए। दूसरों पर उपकार करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सबसे सर्वोत्तम कार्य है। अगर हम दूसरों के लिए कार्य करेंगे, दूसरों के उपकार के लिए कार्य करेंगे, हमारा कार्य स्वयं हो ही जाएगा। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति हमें परोपकार करना सिखाती है, प्रकृति हमें जीना सिखाती है, प्रकृति हमें, वह भी दूसरों पर उपकार करती है और हमें भी सिखाती है कि हमें भी दूसरों पर उपकार करना चाहिए। दूसरों पर उपकार करने से सम्मान मिलता है। आपको यह श्लोक दोहराना है और इसका शुद्ध उच्चारण करना है। हम इस श्लोक की फिर से दोहराई करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकार्थम् इदं शरीरम्।